जी स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। होप्स आई एम विजिबल टू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को। आप सभी को बता, रात को परसों 31 तारीख को शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, फुल फ्लेज 6 घंटे का मैराथन है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, कंप्लीट मैप्स के साथ, कंप्लीट थ्योरी के साथ। तो जुड़ेगा आप परसों 31 जुलाई को दोपहर 12 से 6 बजे, ठीक है? दिमाग करिए, दोपहर 12 से 6 बजे आपका फुल मैराथन क्लास है, ठीक है? उसके अलावा भी 10:30 बजे साइंस की क्लास होगी, नया टॉपिक रहेगा। आपको मैं समझा चुका हूँ वैल्यू क्या है 10:30 बजे वाली क्लास की और सुबह 9 से 11 बजे वाली क्लास की। ये आप पे आधारित है, आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, कितना यूटिलाइज करते हो। जो मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ अन अकेडमी पे, फ्री लाइव क्लास में जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है? ज़्यादा वक्त ना जाहिर करते हुए करते हैं अपने 100 क्वेश्चन को एकदम आंधी तूफान की तरह, ऐसे जैसे मतलब क्वेश्चन हम ही कर रहे हैं इतनी स्पीड में। हमसे ज़्यादा कोई स्पीड में कर ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब पे, या आपसे ज़्यादा कोई जल्दी आंसर दे ही नहीं सकता है पूरे यूट्यूब की क्लासेस में, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आंसर इसको नहीं करेंगे, इसके बाद से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी 10:30 बजे क्वेश्चन हुआ था ये, ठीक है? कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बच्चे दिमाग में रखिएगा आंसर क्या है इसका, दिमाग रखो इसका। डायरेक्टली अगर आपसे भी इसमें पूछा गया कि भैया ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो आर्गन नहीं है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से पोल्यूशन कौन सा नहीं फैलाता, तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड आंसर हो जाता है, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड आंसर हो जाता है, ठीक है? दिमाग रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे कौन सी जो क्रॉप है वो पॉसिबली उगाई जा सकती है? आंसर क्या है, रागी क्रॉप को उगाया जाता है। बाकी सभी में पानी की जरूरत होती है और बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है? दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट स्मॉलेस्ट, जल्दी से बताएगा सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? सरल सवाल हुआ, मार्स इसका आंसर है, ठीक है? दिमाग पर क्या स्मॉलेस्ट जो है, ठीक है, प्लैनेट मार्स है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इनिशियली राजगा द प्राकृत नेम फॉर द प्रेजेंट डे राजगीर, ठीक है? इन डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से कैपिटल था मगधा का, ठीक है? आसान है क्वेश्चन, क्यों? बिहार मगध, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है बिहार और मगध, पूरा रिलेट करता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन द वाटर एट रूम टेम्परेचर, कौन सी ऐसी गैस है जिसमें जो पानी में बहुत ज्यादा मिक्स होता है? आंसर क्या बच्चे, अमोनिया जो गैस है ये पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिएगा, द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस कौन सा है, जल्दी से बताइएगा द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस कौन सा बच्चे? क्लोरोएसिटोफिनोन जो है टीयर गैस का केमिकल नेम है, याद रखो क्लोरोएसिटोफिनोन इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो एक और क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में सी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चे, जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? देखो आंसर क्या है इसका, एसपी इसका आंसर है, ठीक है? दिमाग में रखिएगा, एसपी इसका आंसर है, एस और पी ब्लॉक से एसपी इसका आंसर है, ठीक है? दिमाग में रखिएगा। रेट एट विच द आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को जो उधार देता है वो कौन से रेट पे देता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, रेपो रेट पर देता है और रिजर्व रेपो रेट पे लेता है, रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई लेता है और रिजर्व रेपो रेट के बाद अगर रेपो रेट की बात करें तो इस पे आरबीआई देता है, ठीक है? दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? ये क्लास उनके लिए जो टेस्ट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, स्पीड में टेस्ट दो, अपना आंसर जल्दी से दो, ठीक है? सबसे पहले कि मतलब जो 100 बच्चे 200 बच्चे 400 बच्चे जो भी दे रहे हैं उनसे पहले आप ही का आंसर हो, ठीक है? सिंपल सी बात। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, आंसर कौन सा है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेयर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, ठीक, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स से संबंधित कौन सी ऐसी बात है जो कि सही है, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये पूरा सिस्टम जो है एनिमल प्लांट किंगडम इन सब में से आता है, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा आंसर क्या, हार्ट इज वेंट्रल, ठीक है? अगर आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझना है तो भाई 10:30 बजे वाली क्लास लेना स्टार्ट कर दो, ऐसे चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं उसमें फुल थ्योरी के साथ, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द थर्मोपाइल, जल्दी से बताएगा थर्मोपाइल्स की तरह कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, इंफ्रारेड वेव्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थर्मोपाइल्स की तरह, ठीक है? थर्मोबिल्स को यूज करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड
बैरस पेयर, जल्दी से बढ़ा इस क्वेश्चन का आंसर, न्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी अर्थ की लेयर है बच्चे जो बैरोस्फीयर कहलाती है, कमेंट करिएगा। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, शेयर करो यार सेशन को एक बारी, जल्दी से शेयर करना सेशन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है बच्चे इसका, अर्थ मोस्ट इंटरनल लेयर जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ ना, अर्थ का ये लेयर है तो सबसे इंटरनल जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है इसे कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं समझाऊंगा ये आज की क्लास में, ठीक है, दिमाग रखो यार। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन द अलकनंदा एंड भगीरथी कंबाइंस, ठीक है। आंसर क्या है, देवप्रयाग। आंसर क्या है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है कंबाइन करती है, उसके बाद गंगा कहलाती है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में विच वन डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें से किसमें नहीं है बच्चे, NH3 होगी, चलो ये नहीं है इसका आंसर। आंसर क्या है, CH4, ठीक है, CH4 इसका आंसर है, क्योंकि CH4 में नहीं होती है, ठीक है, CH4 में नहीं होती टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मल्टीमीटर किसके लिए यूज में आता है, मल्टीमीटर किसके लिए यूज में आता है, जल्दी से बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर। मल्टीमीटर भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, 10:30 बजे वाली क्लास का लिंक इसी में आएगा, 10:30 बजे जो क्लास फिक्स है रात को साइंस की, उसका इसी में लिंक आएगा, सारी पीडीएफ इसमें। यार मल्टीमीटर तो सारे काम करता होगा ना, मल्टीमीटर है तो सारे काम करता होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने बताया था आरएनए कहां पे, ठीक है। आंसर क्या बच्चे, न्यूक्लियस इसका आंसर है, कुछ बच्चे राइबोसोम लगाएंगे, भाई इसमें राइबोसोम में प्रोटीन होता है, ठीक है। आंसर आरएनए का पूछा गया, न्यूक्लियस इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो और तबाह कर दो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नहीं करना, बाद में करेंगे। नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है, ठीक है, कौन सी, गोदावरी नदी के किनारे पर, बता चुका हूं दो तीन चार बारी। पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स पेमेंट को घटा दिया और नॉन टैक्स पेमेंट को भी घटा दिया, यानी कि अपनी पर्सनल इनकम में से सारे टैक्स दे दिए, उसके बाद जो बचेगा बच्चे वो क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, बस अब मैं इसमें से खर्च सकता हूँ, सारे टैक्स दे चुका हूँ, डिस्पोजेबल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, अब जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आसान है, अमोनिया इसका आंसर है। जैसे आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं था, वैसे अमोनिया भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इन 1853 आ रेलवे लाइन वॉज लेड डाउन कनेक्टिंग मुंबई विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मुंबई को थाने से कनेक्ट किया था, सबसे पहली रेल यही चली थी, ठीक है, दिमाग रखें, मुंबई को थाने से कनेक्ट किया था, सबसे पहली रेल यही चली थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जैसे ये रेल चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा जिसमें इंफ्रारेड डिटेक्शन का पता चल गया, नया क्वेश्चन, ठीक है, ये खतरनाक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट डायोड से हमें कौन सा पता चलता है, आंसर क्या, माइक्रोवेव्स का पता चल जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, सी वाटर इज सॉल्टर देन द रे वाटर, कारण क्या है बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि भैया रिवर वॉश अवे द सॉल्ट फ्रॉम द अर्थ एंड पोर इनटू द सी, आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही, नदियां जो होती है, जो अर्थ का पानी है, जो सरफेस का पानी है, उसको बहा के समुद्र में ले जाती है, जो कि सोल्टियर होता है, जिसकी वजह से सी वाटर इज सॉल्टर देन द एयर। वेयर डू रिवर भगीरथी अलकनंदा मीट, हो गया ये देवप्रयाग, इसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर बताएं। पेट्रोल किसमें पाया जाता है, पेट्रोल इज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जल्दी से, पेट्रोल किसमें पाया जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, पेट्रोल कहाँ पे पाया जाएगा, अर्थ के बिल्कुल डीप में पाया जाएगा, डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बताने वालों समझ लो, ठीक कर रहे हो पाप, अच्छे वाला। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या, इस क्वेश्चन का आंसर, हु हैज द, देखो ये क्लास आप सोच रहे होंगे सर इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, सर को कहीं जाना है, मुझे भाई कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपकी स्पीड को बढ़ाना है, जहाँ मुझे आपकी नॉलेज को बढ़ाना है मैं 10:30 बजे नॉलेज को बढ़ाता हूँ, जहाँ मुझे आपकी स्पीड को बढ़ाना है मैं आपकी स्पीड को बढ़ाता हूँ, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इट्स माई टास्क कि मैं आपको किस तरीके से आगे तक लेके जाऊँ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हु हैज द पावर टू डिसाइड ऑन द इलेक्शन पिटीशन फॉर एनी स्टेट, ठीक है, पावर किसके पास है, हाईकोर्ट के पास है, जब स्टेट की बात आती है इट्स ऑल हाईकोर्ट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हाईकोर्ट के बारे में याद रखिएगा, इसको छोड़ेंगे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नोन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, जल्दी से बताइए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन सा नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन प्लान, इट इज अ प्लान, ठीक है, बाकी सभी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रांट टू स्टेट, सब्सिडी, ये सब कुछ नॉन प्लान है, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड इंडिया इन 6th सेंचुरी, कौन से चाइनीज पिलग्रिमेज थे जो कि क्या बोलते हैं भारत आए थे 6th सेंचुरी में, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, शेयर करो यार सेशन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है दिमाग में रखो,
ये लाइव टेस्ट डेली होता है 100 क्वेश्चन का 30 मिनट में, डेली नए नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं, दिस इज टू चेक योर नॉलेज डेली, 100 क्वेश्चन डेली, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा आंसर क्या है इसका, चाइनीज पिग्री में कौन से आए थे बच्चे, दिमाग पर रखिएगा आंसर क्या है इसका, कमेंट करिएगा, ठीक है। आंसर क्या है, सोंग योंगन जो है इसका आंसर है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्टिविटी, इसमें से कौन सा नहीं है, फ्योर्ड्स इज नॉट द टाइप ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्टिविटी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे बाद में करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। आंसर क्या है, 1789 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम प्रोजेक्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है, हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, कार्डियोलॉजी किससे, हृदय से संबंधित। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, डैश इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, 10:30 बजे क्लास लीजिएगा जरूर, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी 10:30 बजे क्लास डेली की। आंसर क्या है, PCL इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन वाज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड, कब बनी थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, 1927 में, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें से कौन सी है जो सरकार की कम समय के लिए जो सिक्योरिटीज होती है, इसमें से कौन सी है बच्चे, आसान है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रेजरी बिल जो होता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल जो होता है ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन सभी क्वेश्चन की अगर आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन चाहिए, 5-5 मिनट हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो बच्चे आप 9 से 11 जुड़े, सुबह 9 से 11 जुड़े फ्री क्लास अन अकेडमी की, इसमें मैं फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे सुबह 9 से 11 ये क्लास का लिंक आता है, दिमाग पर रखेगा, फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन इन सभी क्वेश्चन की। द जस्टिस डिस्क्राइब इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे बच्चे, जो हमारे देश में जस्टिस जो है प्रियम्बल में जो दे रखा है वो किस तरीके का बच्चे, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल तीनों तरीके का है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल तीनों तरीके का है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी टू कंकोर श्रीलंका, जल्दी से बताइएगा, पहले चोला किंग थे जिन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया था, आंसर क्या बच्चे, राजेंद्र फर्स्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा इंसेक्टिवरस प्लांट है, कमेंट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्लास में जरा भी बात नहीं भाई, इस क्लास में जरा भी बात नहीं, इस क्लास में सिर्फ आंसर, ठीक है, 30 मिनट में टारगेट हमारा बस सिर्फ फोकस ये है कि आंसर होना चाहिए सारे के सारे। पिक्चर इसका आंसर है, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 2 फरवरी किसके लिए बनाया था, 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है, रामेश्वर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया था मुंबई में। हाल फिलहाल में 10 जो है, ठीक है, वेटलैंड एरिया पाए गए, रामेश्वर साइट को घोषित किया गया, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन द पाकिस्तान, आंसर क्या, हड़प्पा इज इन पाकिस्तान, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर है पाकिस्तान में, ठीक है, मोहनजोदड़ो भी, ठीक है, पाकिस्तान में। ये डिफेंस का कोर्स, जो भी बच्चा चाहे SSC का है चाहे वो डिफेंस का है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, सभी की थ्योरी एक साथ पढ़ना चाहता है और करंट अफेयर भी साथ में, तो इन तीनों चीजों के लिए आप लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं, मुझसे अन अकेडमी के पेड कोर्सेज में जुड़ने के लिए लाइव अमन रेफर कोड यूज करें, ठीक है, डिफेंस और SSC और रेलवे में। व्हाई डू एटम फॉर्म द बॉन्ड, एटम बॉन्ड किस लिए बनाते हैं, कारण क्या है, कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा, स्टेबिलिटी के लिए, बिल्कुल, गेन द स्टेबिलिटी, ठीक है, टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन द स्टेबिलिटी, इसलिए। लेकिन गलत कहां पे होगा, कुछ बच्चे इसका आंसर डी लगाएंगे, कुछ बच्चे इसका आंसर डी लगाएंगे और गलती हो जाएगी, क्योंकि साइंस की 10:30 बजे की क्लास देखते ही नहीं है, 10:30 बजे सोना बाबू करना होता ना, नहीं देखनी 10:30 बजे की क्लास, जो देख रहा है उसका बढ़िया चल रहा है, काम चल रहा है, जिसका जो नहीं देख रहा वो कमा रहा है पाप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आसान, मॉनिटर इसका आंसर, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, भाई नेशनल इनकम में इसमें से किसको नहीं काउंट किया जाएगा, यार देखो नेशनल इनकम में हाउसवाइफ का जो भी सर्विसेज होती है ना, दीज आर नॉट काउंट इन द नेशनल इनकम, ठीक है, दिमाग में, दीज आर नॉट काउंट इन द नेशनल इनकम, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को बाद में बताएं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदवार। जल्दी से देखें, मोहम्मद गोरी ने कौन से राजा को हराया था? आंसर क्या है? ठीक है, जयचंद को हराया था। ठीक है, दिमाग करेंगे, मोहम्मद गोरी ने जो बैटल ऑफ चंदवार हुई थी उसमें जयचंद को हराया था। नए नए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, नए नए क्वेश्चन है सारे के सारे, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, ब्रिक मेट मार्केट कैन यूजली बी कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ विच मार्केट? ठीक है, आंसर क्या है? लोकल मार्केट। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, छोड़ेंगे इसको। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लेजिस्लेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बच्चे? ठीक है, कानून बनाना, सिंपल सी बात है। लेजिस्लेचर कानून बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा रहे हो अगर आपका मौलिक अधिकार रद्द हो रहा है, अगर आपका मौलिक अधिकार रद्द हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा रहे हो, तो भैया कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 32। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहता है ये, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं इसे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बुल्ला भाई देसाई ने INA पर्सनल जो थे उनके लिए प्रिवेंशन किया था, उनके लिए वकालत की थी। पूछा गया INA ट्रायल कौन से वर्ष में हुई थी? INA ट्रायल कौन से वर्ष में हुई थी जिसमें बुल्ला भाई देसाई जो थे वकील थे, ठीक है, पर्सनल्स के, 1945 में। ठीक है, जस्ट देश आजाद होने से पहले INA ट्रायल हुआ था, फेमस है। वेयर द एक्सप्लेनेशन, यू हैव टू कम एट 9 to 11 AM, 9 से 11 आओ, हर एक क्वेश्चन पे फुल फ्लेज 2 घंटे एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन पे फुल फ्लेज 2 घंटे एक्सप्लेनेशन, और पूरा GK कवर होता है इससे, इतनी एक्सप्लेनेशन से, 9 से 11 सुबह। ठीक है, डेली क्लास इस टेलीग्राम चैनल पे, अमन सर वाइफ स्टडी। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, फ्री क्लास होती है। चले देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच ईयर डिड द चंपारण फार्मर मूवमेंट हैपन? 1917 में हुई थी। एक और क्वेश्चन देखिए, टाइटल इंडियन नेपोलियन किसको बोला गया है? इंडियन नेपोलियन इन चारों में से किसको बोला जाता है? जल्दी से बताएगा। किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, दिमाग में रखिए, माय कंट्री माय लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाल कृष्ण अडवाणी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ, ठीक है, साइकोएनालिसिस के फाउंडर कौन है? आंसर क्या है बच्चे? सिगमंड फ्रॉयड। नए क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, जिसे आपको ये तो पता चले कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सुबह 9 से 11 और रात को 10:30 बजे आना ही पड़ेगा नए कंटेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो नहीं आ पाएगा तो भैया फिर आंसर गलत हो, ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? आंसर क्या बच्चे? कौन सा है यूनियन लिस्ट में? पोर्ट इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग करेगा, हु रोड द नोबल द डा विंची कोड? ठीक है, द डा विंची कोड किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट करिएगा, किसके द्वारा लिखा गया बच्चे? आंसर डैन ब्राउन के द्वारा, फेमस है। ठीक है, नोबल द डा विंची कोड जो है, इट इज वेरी फेमस नोबल। हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी नाम तो पता होना चाहिए। ठीक है, दिमाग करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस इंडियन पेंटर? निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट करिएगा, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? आंसर क्या है? अंजलि एल मेनन जो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, अजंता केव से संबंधित एक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, निवी परिधान और आदिवासी क्या है बच्चे? डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स है। जल्दी से आंसर क्या है बच्चे? ठीक है, दिमाग में रखिएगा, निधि परिधान और अधिवास जो है आर्यंस के डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, SSC का क्वेश्चन है। जो भी बच्चा देख रहा है 31 जुलाई को यानी कि परसों शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक आपका इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट मैराथन यूट्यूब पे होने वाला है, जरूर देखिएगा, सभी के सभी फुल एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होगी परसों दोपहर को 12 से 6 बजे शुक्रवार को। ठीक है, दिमाग कर रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा इस क्लास का। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट में, ठीक है, अपना वर्डिक्शन दे सकते हैं। किसके थ्रू? ओरिजिनल जुडिक्शन के थ्रू। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का पढ़ा था ना SP, तो आंसर क्या, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना। ठीक है, S और P है और उसका मिक्स होना, उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना, 2018 का बजट। द सर्पेंट एंड द रोप, ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, राजा राव के द्वारा लिखा गया। द सर्पेंट एंड द रोप जो है, ठीक, किसके द्वारा लिखा? राजा राव के द्वारा लिखा गया। आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, हेलो मनीष कुमार, हेलो गाइस, मेरे भाई पढ़ाई करनी है,
जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इतने में तो सारे आंसर दे जाएंगे, इतने में तो दे जाएंगे सारे आंसर, ठीक है। कैपेसिटेंस देखो यार, इसमें सीधा पूछा है कि भैया कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है, आंसर क्या है बच्चे, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब इसको पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और जो चैप्टर है वो कितने बजे होगा, 10:30 बजे होगा। कल चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, दिमाग करके 10:30 बजे। और आज रात को 10:30 बजे मैं पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उससे संबंधित सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नहीं करना है, पिछला क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग। कौन सी सिटी है जिसको भारत का यूनेस्को का सबसे पहला सिटी में काउंट किया गया, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या बच्चे, अलाहाबाद को, ठीक है, प्रयागराज। हु वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, फेमस नील दर्पण, ठीक है, दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण जो है लिखी थी, ठीक है, दिमाग करिएगा। ऑथर नील दर्पण के दीन बंधु मित्रा हैं, बड़ा सरल सवाल है ये तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाएं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। नेपाल शेयर अ बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिसाइड इंडिया। नेपाल इंडिया के साथ साथ चाइना का बॉर्डर शेयर करता है। ड्राई सेल कंटेन द कैथोड, कैथोड क्या, दिमाग पर रखिएगा, ग्रेफाइट। जो ड्राई सेल का जो कैथोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ड्राई सेल का जो कैथोड होता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनल 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रखा गया, ठीक है, कहाँ पे संरक्षित किया गया बच्चे, दिमाग में रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट हाउस में ही रखा जाएगा ना, ठीक है। आंसर क्या है, संसद भवन में। कहाँ पर, संसद भवन में रखा गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पुराना है, ठीक है, 9:30 बजे डेली होती है लाइव टेस्ट, ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है, टारगेट 100 क्वेश्चन 30 मिनट में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक एक्सेप्ट, इसमें से कौन से हैं जो वैदिक के नहीं है, ठीक है, आंसर क्या है, वैदिक काल के नहीं है प्रिंसिपल डाइटीज में से, ठीक है, आंसर क्या है, दुर्गा, ठीक है, दुर्गा माता इज नॉट, वाज नॉट इन वैदिक पैंथोन, ठीक है, बाकी अग्नि इंद्रा सोमा सभी हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटेक्टेड बाय गैगर ट्यूब, जल्दी से बताएगा, गैगर ट्यूब से, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको एक दिन बताया था, रेडियो एक्टिव वेव जो होती हैं अल्फा बीटा और गामा, उसी से होती है डिटेक्ट, गैगर ट्यूब से, ठीक है। और अब आंसर आ जाएगा गामा, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव में से गामा इसमें दे रखा है, ठीक है, गामा इसमें से दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर 83rd क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सारे के सारे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा। अपने भारत में कहीं पे भी घूमने की जो आजादी है उसे हम क्या कहेंगे, राइट टू लिबर्टी कहेंगे, पर्सनल फ्रीडम कहेंगे, ठीक है बच्चे। एक चीज याद रखो, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, 700 के करीब बच्चे देख रहे हैं, अभी भी बता रहा हूं 200-300 बच्चे जो इसमें आ रहे हैं ना, उनका आप कॉन्फिडेंस देखिएगा, उनका आंसर देने का तरीका देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि आपको इन दो क्लासेस में आना चाहिए। फ्री क्लासेस हो रही हैं, जितना मौका गवाओगे उतना ही आपका नुकसान है। 30 दिन की क्लासेस हैं और 30 दिन में आपको मैं बहुत कुछ कराने वाला, 30 दिन साइंस 30 दिन जीके, ठीक है, 30 दिन आप आओ इन दोनों क्लासेस में, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। रात को 10:30 बजे आज आके देख लो और सुबह 9 से 11 बजे कल आके देख लो। एक दिन नींद भी गवा लो, एक दिन बाकी समझ रहे हो क्या गवाना है, ठीक है, ये दो चीज़ें गवा के देखो, आपको रोज लगेगा कि हाँ इन दो क्लासेस में आना चाहिए और बाकी सभी क्लासेस में तो आना ही होता है, ठीक है, दिमाग करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीट अबाउट द नोन, ये कराऊंगा 10:30 बजे, ठीक है, दिमाग करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय सर हैम्फ्री डेवी, हैम्फ्री डेवी के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया था, आंसर क्या बच्चे, सेफ्टी लैम्प, ठीक है। द वर्शिप ऑफ मदर गोडेस वॉज रिलेटेड टू, जल्दी से बताएगा, वर्शिप ऑफ मदर गोडेस किससे संबंधित है, कौन से सिविलाइजेशन से संबंधित है, ठीक है। मदर गोडेस की जो पूजा की जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में की जाती थी, पूजा जो की जाती थी मदर गोडेस की वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में की जाती थी, ठीक है। हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन N2 जो है, ठीक है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड है N2 जो है, इसमें कितने लोन पेयर होंगे, आसान 2, ठीक है, दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, डू और डाउ जो सिचुएशन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में आई थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था डू और डाई सिचुएशन, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, वन एंड ओनली इंदिरा गांधी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन सी बाउंड्री नहीं शेयर करता है, असम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, असम इंटरनल बाउंड्रीज में आता है जो कि बांग्लादेश के साथ तो जुड़ता है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, लेकिन ईस्ट के कंट्रीज के साथ नहीं जुड़ता है इसी वजह से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं करना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द
फ्यूसिफॉर्म रूट, जल्दी से बताएगा फ्यूसिफॉर्म रूट जो होती है, ठीक है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फ्यूसिफॉर्म रूट जो होती है किस में होती है, कमेंट करेगा। नए नए क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसके एक्सप्लेनेशन के लिए 9 से 11 बजे आए, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको नॉलेज तो चाहिए होगी ना, ठीक है दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है, रेडिश, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस, ठीक है। मिटोसिस का सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज, ठीक है दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है, ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जेनेटिक्स के पार्ट में मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं, जेनेटिक का पार्ट 3 पढ़ाना है उसमें पढ़ाऊंगा, नहीं करना ये क्वेश्चन, फॉर्मूले का है भाई। सीवर्ड सरफेस जो होता है उसमें जेंटल स्लोपिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, आर्कटिक महासागर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ब्रॉड है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम डेंसिटी, जल्दी से बताइए, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नहीं करना, 2018 का है बिल्कुल। प्रणिहति इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, कंबाइंड द वाटर ऑफ पेनगंगा रिवर, डैश रिवर एंड वैनगंगा, जल्दी से बताइएगा। सीधा हमें ना ये समझ आ रहा है कि भैया गोदावरी किस में से कौन सी नदी जो है क्या बोलते हैं हेल्पफुल है, तो इसमें से वारदा है, वारदा पैनगंगा वैनगंगा परिणति ये सब की सभी जो है गोदावरी की क्या है एक तरीके से, ठीक है ट्रिब्यूटरी है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्योर मेटल हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के समय प्योर मेटल हम किस में रखते हैं, आंसर क्या है बच्चे, कैथोड में रखते हैं, ठीक है कैथोड में रखते हैं। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है सेशन को लाइक जरूर करें, मेरी ये जो 6 घंटे की मैराथन होगी परसों होगी 31 जुलाई को, कब 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी है, तो आइएगा दोपहर 12 से 6 बजे तक, फुल एक्सप्लेनेशन फुल थ्योरी, ठीक है विद द मैप्स, ठीक है। चलिए करते हैं हमने सेशन को एंड, ठीक है 700 में से 200 की कैटेगरी में आना है और सिलेक्शन पाना है तो आए 10:30 बजे अभी, ठीक है इस क्लास के आधे घंटे बाद आए 10:30 बजे, सभी के सभी सब कुछ त्याग के टेलीग्राम चैनल अमन सर वाई फाई स्टडी पर लिंक मिलेगा, इस क्लास में सभी के सभी आए 10:30 बजे वाली क्लास में साइंस की क्लास, उसके बाद सुबह 9 से 11, उसके बाद सुबह 9 से 11 सेशन को एंड करते हैं। सेशन को लाइक करिएगा शेयर करिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सभी के सभी A to Z बच्चा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 10:30 बजे वाली क्लास और सुबह 9 बजे वाली क्लास मिस मत करो, नुकसान होगा आपका, ठीक है दिमाग रखिएगा। करते हैं अपने सेशन को एंड, ओके बाय सभी को।